रामनगरी अयोध्या में होने वाली हर एक राजनीतिक हलचल बीजेपी के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो या फिर चुनावी शंखनाद। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा अयोध्या से 2022 के चुनाव का आगाज करेगा। दरअसल ये बातें उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। नरेंद्र कश्यप ने ये भी बताया कि ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 18 और 19 सितंबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में होगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 98 जिलों के पदाधिकारी गण, क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारी इस कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। नरेंद्र कश्यप ने बताया कि 19 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी संगठन के शिल्पकार सुनील बंसल का प्रथम सत्र में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी मार्गदर्शन पिछड़ा वर्ग मोर्चा को प्राप्त होगा। नरेंद्र कश्यप का कहना है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा की अयोध्या की पावन भूमि में होने वाले प्रदेश कार्य समिति बैठक में इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी बताया कि संसद से बिल पास कराकर ओबीसी आयोग को संवैधानिक के दर्जा दिलाना बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इससे समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के संकल्पों को बल मिलेगा। सरकार ने सभी वर्गों की अपेक्षा के अनुसार अपनी योजनाएं दी हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 100% योजना का लाभ मिलना इसका परिचायक है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चुनाव में जीत का आधार बनेंगी। समिति व्यापक स्तर पर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी सहित देश और प्रदेश के अनेकों केंद्रीय मंत्री, संगठन के नेता और तमाम प्रदेशों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होगी। ये प्रदेश कार्य समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की व्यापक रणनीति पर विचार होगा, तमाम नेताओं का मार्गदर्शन होगा। और ओबीसी मोर्चे ने यह निश्चित किया है, ओबीसी मोर्चे ने ये स्लोगन तैयार किया है कि ओबीसी मिशन 2022 अब की बार फिर 350 के पार का एक लक्ष्य लेके ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ पिछड़े वर्गों के साथ संवाद और संबंध स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का संकल्प लेकर अपने काम पर जुटा है। उम्मीद है कि 18 और 19 सितंबर की प्रदेश कार्य समिति के उपरांत उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ और मजबूती के साथ खड़े होंगे और 2022 में योगी जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने, इसकी तैयारी पर अंतिम फैसला होगा।